प्रशासन को इतना तो अंदाज होना ही चाहिए कि जब इतना लंबा चौड़ा मैदान तैयार किया जा रहा है और टेंट लगाए जा रहे हैं तो अनुशासन तो करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि सिक्योरिटी उसके हिसाब से है कि नहीं, एक बात है। तो प्रशासन यहाँ पर असफल रहा, भक्त भाग रहे हैं उसके चरण की धूल प्राप्त करने के लिए। ये अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। टेलीविजन पर देखिए अंधविश्वास के एक एक दो दो घंटे कार्यक्रम होते हैं। जब से टेलीविजन आया है तब से अंधविश्वास ज्यादा ही हो रहा है। सूरजपाल जाटो उर्फ भोले बाबा, इसके सत्संग यूपी में होते रहे हैं और बड़े बड़े होते रहे, तो प्रशासन को इतना तो अंदाज होना ही चाहिए कि जब इतना लंबा चौड़ा मैदान तैयार किया जा रहा है और टेंट लगाए जा रहे हैं तो अनुशासन तो करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि सिक्योरिटी उसके हिसाब से है कि नहीं, एक बात है। तो प्रशासन यहाँ पर असफल रहा। दूसरी बात है कि जब वो भोले बाबा गाड़ी पर चढ़ गाड़ी में बैठ के जा रहा है, उसके गाड़ी के पीछे भक्त भाग रहे हैं उसके चरण की धूल प्राप्त करने के लिए। ये अंधविश्वास की पराकाष्ठा है और ये अंधविश्वास हर जगह से बढ़ाया जा रहा है। टेलीविजन पर देखिए अंधविश्वास के एक एक दो दो घंटे कार्यक्रम होते हैं। जब से टेलीविजन आया है तब से अंधविश्वास ज्यादा ही हो रहा है कि ये करो तो ऐसा हो जाएगा, वो करो तो ऐसा हो जाएगा। और इसके अलावा भी यह कोई नई घटना अपने आप में नहीं है, और जगहों पर भी भगदड़ में लोग मारे गए हैं। कुंभ मेला में है, हरिद्वार में हुआ, उज्जैन में है, सबरीमाला में हुआ, नासिक में हुआ, कई जगहों पर हुआ। तो इसको जड़ से समाप्त करने के लिए अंधविश्वास और भक्ति को खत्म करना पड़ेगा, जो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और सरकार की बड़ी अहम भूमिका होनी चाहिए इसमें। सरकार इसको प्रमोट न करने दे, जो झूठ का वादा करते हैं कि इसको भभूत दे दिया तो बच्चा पैदा हो गया, कैंसर ठीक हो गया। तो इससे क्या है कि लोगों में विश्वास बढ़ता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं विराम तो लगना चाहिए। ऐसे बाबाओं को गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने बाबा इस तरह से झूठा बोलते रहते हैं और गलत प्रचार करते रहते हैं, स्वर्ग का लालच दिखाते रहते हैं और धन में वृद्धि होगी, परिवार बढ़ेगा, सुख शांति होगी, व्यापार बढ़ेगा, ये कर लो वो कर लो, ये सब अंधभक्ति में आता। जो उसके चरण की धूल के लिए पाने के लिए लोग भागे थे तो यही तो कारण था कि धूल मिल जाएगी तो हो सकता है जिसको बच्चा नहीं पैदा हो रहा बच्चा पैदा हो जाएगा, या जिसका व्यापार में घाटा हो रहा है तो घाटा नहीं होगा, या शादी विवाह हो जाएगी घर में, खेती ठीक ठाक हो जाएगी। मैंने तो इस तरह से देखा है कि वो रहता ही भी नहीं जहां, उसके सीढ़ियों को चूमते हैं लोग। तो यह हमारे देश में हो रहा है, आज के समय में हो रहा है। तो इसका निराकरण सरकार के द्वारा भी किया जाना चाहिए। हमारी शिक्षण संस्थाएं फेल हो रही हैं और जिस तरह से पाखंड फैलता और तेजी से जा रहा, पहले इतना बड़ा पाखंड नहीं था, इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। इसका असर हमारे इकोनॉमी में, हमारे सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में और हर क्षेत्र में पड़ता है। अब बाबाओं के पास जाकर के लोग जो है वोट मांग रहे हैं। अब राम रहीम को आजीवन कारावास हुआ है लेकिन उसका वोट बैंक है तो जेल में है और नहीं भी है, जब चाहता है निकल जाता है। तो आज इसका संबंध